नमस्कार साथियों, बहुत सारे सवाल हैं, उन सबको लेकर फिर से आपके सामने आपके साथ जुड़ रही हूं। और ये सवाल कौन से हैं? सवाल ये है कि उत्तराखंड की जनता आखिर कैसी सरकार को देख रही है, कैसी सरकार उत्तराखंड में आज मौजूद है। और आज जिस सरकार के बारे में मैं बात कर रही हूं, वो सरकार कैसी है, इस बात को समझना पड़ेगा। क्योंकि पूरे देश में जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां वहां बस ऐसा ही हाल है। उत्तराखंड की जनता आक्रोशित है, केवल आहत नहीं है, आक्रोशित है। जो शब्द का मैं इस्तेमाल कर रही हूं, अगर आप उस शब्द में जाएंगे तो आप समझ सकेंगे कि किस तरीके से इस वक्त उत्तराखंड की जनता जो है वो इसलिए भी नाराज है कि जिस सरकार को हमने चुना, उस सरकार ने आखिर अब तक क्या किया है। अंकिता भंडारी, एक ऐसी बेटी जिसका यौन शोषण करने की कोशिश करी जा रही थी, एक ऐसे रिजॉर्ट में जो रिजॉर्ट एक संघी का है, आरएसएस के एक बहुत बड़े व्यक्ति का है, जिसका नाम है विनोद आर्य, जो आज तक खुला घूम रहा है, उसकी अरेस्टिंग की जरूरत अभी तक वो जो स्पेशल एसआईटी है उसको जरूरत महसूस नहीं हो रही है। वैसे तो किसी भी मामले में जाएंगे कहेंगे कोर्ट में खड़े होकर कि अगर ये व्यक्ति बाहर रहेगा तो ये जितने साक्ष्य है उनको मिटाने में सक्षम है। और ये व्यक्ति कौन है? ये संघ का बहुत बड़ा व्यक्ति है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बेटे को मुख्यमंत्री ने जिस वक्त आचार संहिता लगने वाली थी विधानसभा 2022 के चुनावों की, उसके जस्ट पहले उस संघी के बेटे को इन्होंने एक बोर्ड में, ओबीसी बोर्ड में उपाध्यक्ष बनाया, यानी कि दर्जाधारी मंत्री। दूसरे बेटे ने क्या किया? दूसरा बेटा एक अवैध रिजॉर्ट चलाता है, जिस अवैध रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया गया। सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं के नाम चल रहे हैं, और मैं इसलिए नहीं लूंगी क्योंकि उसकी कोई पुष्टि नहीं है, मगर तरह तरह के बातें आती हैं। और जब तक सरकार ये नहीं बता देती कि कौन है असली गुनहगार, कौन है वो वीआईपी जिसके लिए अंकिता भंडारी को पर दबाव डाला जा रहा था कि वो उसको एक्स्ट्रा सर्विस दे, एक्स्ट्रा सर्विस सरकार भारतीय जनता पार्टी वाली, एक्स्ट्रा सर्विस सरकार भारतीय जनता पार्टी वो वाली जिसका एक विधायक था जिसका नाम है, आपको याद होगा, कुलदीप सेंगर, जिसने एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया। अगस्त 2019 में भाजपा ने उसे आखिर में जाकर अपनी पार्टी से निकाला, जब देख लिया कि उसे बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि उस केस को उन्नाव से ट्रांसफर कर दिया गया था दिल्ली, और दिल्ली में फैसला यही आया जो उम्मीद थी, जिसके कारण उसे अगस्त 2019 में पार्टी से निकाला गया, क्योंकि 2019 के दिसंबर में उसे सजा दी गई। आप तो जानते हैं जिनको सजा मिलती है, जो गैंग रेपिस्ट होते हैं वो तो इनके खासम खास होते हैं, वो संस्कारी होते हैं। संस्कार में है संगियों के रेप करना, संस्कार में है संगियों के मर्डर करना, संस्कार में है संगियों के गैंग रेप करना, उसके बाद बताना कि वे संस्कारी है, उन्होंने बड़ी लंबी सजा काटी है। जो बिल्किस बानो के गैंग रेपिस्ट है, मर्डरर्स है, वो आज खुलेआम घूम रहे हैं। जानते हैं गोविंद नाई नाम का एक व्यक्ति खुलेआम घूम रहा है, और जून के महीने में जब वो परोल पे छोड़ा गया था तो उस वक्त भी उसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज करी गई थी, क्योंकि उसने किसी को धमकी दी थी। ये सारे लोग जिनके बारे में ये आपको बताते हैं ना कि ये कई कई साल तक सजा भुगतते रहे हैं, तो मैं आपको बता रही हूं कि कई कई साल ये परोल पे रहे हैं। कई कई साल कैसे? क्योंकि 14 साल की सजा में से हिसाब लगा लीजिए, अगर 1100 दिन ये परोल पे रहे हैं, यानी कि बाहर रहे हैं, तो कितने मजे से रहे। राधेश्याम नाम का एक व्यक्ति जो बिल्किस बानो के उसी गांव में रहता था, आज भी उसी गांव में अपने पटाखे की दुकान उसने लगाई, क्योंकि उसे तो छोड़ दिया गया। अब जब तक माननीय उच्चतम न्यायालय कोई आदेश नहीं देगा, तब तक हम ऐसे ही आक्रोशित होंगे, क्योंकि वो बिल्किस बानो के ठीक घर के सामने बिल्किस बानो का रेप करने वाला, बिल्किस बानो के परिवार वालों का की हत्या करने वाला, उसके सामने उसके 3 साल के बच्चे का सर फोड़ देने वाला, वो उसके घर के सामने अब एक पटाखे की दुकान चलाता रहा, दिवाली मनाता रहा। और बिल्किस बानो कहाँ है? उसने अपने घर को एक हिंदू परिवार को
किराए पे दिया है, वहां दुकान चल रही है कपड़ों की। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये मोदी का गुजरात है, मोदी का गुजरात, जहां खुलेआम घूमते हैं वो लोग जिनको सजा मिलती है गैंग रेप करने के लिए, जिनको सजा मिलती है लोगों की हत्या करने के लिए, वो लोग खुलेआम घूमते हैं। ये है भाजपा की सरकार, ये है मोदी का गुजरात। अब अगर उत्तराखंड की बात करें तो अंकिता भंडारी मामले में कोई कह रहा है, अभी मैंने एक पोस्ट देखी जिसमें एक बताया जा रहा है, नाम तो नहीं लिखा मगर समझ में तो आता ही है, बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश का कोई बड़ा नेता है जो एक्स्ट्रा सर्विस लेने के लिए आ रहा था पुलकित आर्या के रिजॉर्ट में। अगर मध्य प्रदेश का नहीं है, उत्तराखंड का है या दिल्ली का है या तेलंगाना का है या बिहार का या उत्तर प्रदेश का, तो उत्तराखंड की सरकार इस नाम को छुपा क्यों रही है? आखिर झोला लेकर जो आता है, जिसमें पैसे भरकर लाता है, वही तो नहीं है, वही तो नहीं है वो वीआईपी, ये बताए सरकार। तो इस मामले में ये बताना पड़ेगा सरकार को, और ये भाजपा की सरकार है। कल आपने मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें गोरखपुर की एक महिला जिसकी उसके परिवार वाले कह रहे हैं हत्या हुई, मगर हो सकता है कि वो गिर गई हो, एक्सीडेंट हो, उसकी मृत्यु हो गई, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे, उसका पोस्टमार्टम हो गया, उसकी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही? मुझे तो बड़ी हैरानी है भाई, आप अपना रिकॉर्ड साफ रखना चाहते हैं क्योंकि गोरखपुर से आपके मुख्यमंत्री आते, शर्म करो। अगर किसी की अननेचुरल डेथ होती है एक्सीडेंट में ही, तो भी एफआईआर करना, मुकदमा करना मैंडेटरी होता है। तो ये जो महिला है शिल्पी शर्मा, इनके पति जो है उमेश शर्मा शायद उनका नाम है, वो फौज में है। जी हाँ, ये नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी पार्टी, एक सैनिक की पत्नी जो गिर जाती है या जो कुछ भी उसके साथ होता है, उस मामले में एफआईआर दर्ज करने में बड़ी देरी लगाती है। उम्मीद कर रही हूँ कि अब तक जब मैं इस लाइव को कर रही हूँ तो एफआईआर दर्ज कर ली गई होगी। आज दोपहर तक तो एफआईआर कम से कम दर्ज नहीं हुई थी। अब आ जाते हैं दूसरे मैटर में, क्योंकि पुलिस की बात हुई है तो पुलिस की बात करते हैं। आपको पता ही है कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, वही हाथरस फेम वाले, जिन्होंने हाथरस की बेटी के लिए ये कह दिया था कि हाथरस की बेटी का रेप नहीं हुआ, बाद में इसकी पुष्टि हुई, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं कि रेप का डेफिनेशन भी बदल चुका है जब ये आए थे सर्विस में और जब ये रिटायर होने वाले हैं तब। खैर, अब आ जाते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में केदार भंडारी नाम का 19 साल का लड़का उत्तरकाशी के छोटे से गांव से निकला, वो अग्निवीर बनना चाहता था, वो कोट द्वार गया अग्निवीर भर्ती के लिए, वहां से जब वो वापस आ रहा था तो ऋषिकेश में रुका, उसके बाद उसने घर जाना था, पहली बार अकेले घर से निकला था। पिता ने उसके हाथ में 7,000 रूपये दिए थे, 5,000 उन्होंने, 2,000 उसके बड़े भाई गंभीर भंडारी ने। मगर उसके बाद अब मामले को कैसे दबाया जा रहा है? पहले कहा गया था कि परमार्थ निकेतन के एक मौखिक कंप्लेंट पर उसको उठा लिया गया। अब कहा जा रहा है कि होटल वाले खुद ही आके बता रहे हैं, नहीं नहीं हमने कंप्लेंट किया था क्योंकि उसके पास पैसे मिले थे और उसको हमने ही पुलिस को बुला के उस पुलिस को हैंडओवर किया, जबकि पुलिस वालों ने ही पैसा वापस किया केदार भंडारी का, जो केदार भंडारी के पास था उसके माता पिता को। केदार भंडारी के लिए इन्होंने कहा कि वो गंगा में कूद गया पुलिस से भागते हुए। तो पुलिस से वो क्यों भाग रहा होगा? पुलिस वाले कहते हैं अचानक उसे पता नहीं क्या हुआ, पागल लोग नहीं होते हैं। वो अग्निवीर की तैयारी करके आया था, वो मेंटली बहुत स्ट्रांग था, मगर आप लोगों ने इतना मारा पीटा उसे कि वो आप लोगों से जब बच के भागा तो उसने सोचा बचने की कोई उम्मीद नहीं है, ये मुझे मारेंगे। वो आपको कहता रहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मगर जब आप लोगों ने नहीं सुना तो वो भागा, वो कूदा, अगर कूदा, आपकी कहानी बता रही हूं, तो भी आपने उसे बचाया क्यों नहीं? अगर आपने उसे कूद जाने दिया और बचाया नहीं तो ये बता रहा है कि दाल काली है, दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल काली है। तो पुलिस कस्टडी में अगर किसी की मृत्यु होती है तो ये मामला किसी दो लोगों की लड़ाई के बीच में पुलिस एक पार्टी के साथ मिल गई, ऐसा नहीं है। पुलिस वालों ने परमार्थ निकेतन की कंप्लेंट पे ये अपनी कार्रवाई बताई कि हमने लड़के को उठाया, कोई लिखित कंप्लेंट नहीं, यानी कि इलीगल डिटेंशन। अब
उसके बाद कहते हैं कि वो कूद गया। मैं इन्हीं की कहानी बता रही हूँ क्योंकि ये सच्ची नहीं हो सकती। अगर वो कूद गया तो आपके सामने कूदा। अंकिता भंडारी बेटी जब उसकी लाश को आप ढूंढ सके तो जो बच्चा आपकी आंख के सामने कूद गया तुरंत ही आपको उसे ढूंढ नहीं लेना चाहिए था। केदार भंडारी की मौत की जिम्मेदार है लक्ष्मण झूला पुलिस। उसके बाद जब ये मामला उठा तो ये क्या कहते हैं कि इस विषय पर कोई कुछ ना बोले। अब बताए पौड़ी की पुलिस की कोई कुछ क्यों ना बोले। अब बताए पौड़ी की पुलिस जब हेबियस कॉर्पस पेटिशन एक्सेप्ट हो गया है माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में और आप लोगों से अब पूछा गया है कि ऐसा आपके खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही करी जाए तो अरुल निसी, तो आप बताइए कि अब आपका जवाब क्या है। बताएं पौड़ी के एसएसपी चौहान जी अब तक वो बैठे हुए हैं वहां एसएसपी बनकर। जब इस बात को मैंने उठाया था उसी दिन सबसे पहले पौड़ी के एसएसपी चौहान जी का स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा पुलिस के ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ पहली दूसरी तीसरी अक्टूबर से आज तारीख हो गई है 25, तो एसएसपी महोदय कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई ना अभी तक? क्या कार्रवाई होगी, वहां पे एफआईआर आपने दर्ज क्यों नहीं करी? उसके बाद दूसरी कार्रवाई उसी दिन शाम को हुई। क्या थी वो कार्रवाई? वहां के एसओ संतोष कुमार को तुरंत ही वहां से हटा दिया गया था। संतोष कुमार वही आदमी है जो वहां पे तब भी एसओ था जब अंकिता भंडारी का केस खुला था, जब उसके बारे में आपको और मुझको पता चला था। तो संतोष कुंवर को इन्होंने हटाया। वहां पे मनोहर सिंह रावत भी है। मनोहर सिंह रावत तमाम तस्वीरों में भी दिखता रहा, उसे अभी तक क्यों नहीं हटाया गया? वहां पर और भी जो एसआई हैं, और भी जो पुलिस कांस्टेबल है, उनको आप हटा क्यों नहीं रहे? जब तक हटाएंगे नहीं तब तक आप वहां पे कोई सही कार्रवाई करने वाले नहीं। और पुलिस वाले क्या अपनी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? हमने देखा है पहले भी उत्तराखंड में कि ऐसा नहीं होता। और मैं बात कर रही हूँ रणवीर सिंह एनकाउंटर के बारे में, जिसमें तमाम पुलिस वाले तिहाड़ काट के आए हैं। लेकिन उस समय जो कंप्लेनेंट थे, यानी कि रणवीर के पिता, वो उत्तराखंड के नहीं थे, बाहर के थे। अब की बात उत्तराखंड की जनता खड़ी है अपनी ही पुलिस के सामने और अपनी ही पुलिस से जवाबदेही चाहती है, मगर अपनी ही पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है कि आप कोई भी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि 1 अक्टूबर को मैंने इस बात को उठाया और यह घटना घटी थी 22 अगस्त 2022 को। तब से लेकर अब तक 2 महीने से ज्यादा हो गए, आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करी? पुलिस कस्टडी में अगर किसी की मृत्यु हुई है तो बीमार होके नहीं मरा, जैसा आप लोगों के एक थाने में जो हरिद्वार क्षेत्र में कहा गया था, उपाध्याय नाम के व्यक्ति के बेटे के लिए कोरोना के समय 2020 में कि वो बीमार हो गया। हम मोहाली से उसे पकड़ के ला रहे थे, वो एक लड़की के साथ भाग गया था। मोहाली से जब पकड़ के ला रहे थे तो रुड़की में बीमार हो गया और रुड़की में मर गया। जैसे एक इंसान मरने के लिए बैठा होता है पुलिस कस्टडी में। तो पुलिस ये बताए, तब भी उस बूढ़े पिता को मैंने भेजा था जो रिटायर्ड है, पीएचडी है, रिटायर्ड है, उनको भेजा था डीजीपी महोदय के पास, मगर उन्होंने कहा कि ये मैटर अब सीओ देखेंगी। सीओ को मैंने फोन भी किया था, एक महिला सीओ थी, मगर कुछ नहीं हुआ। वो बूढ़ा पिता खाली हाथों बस ऐसे ही रह गया। और मुझे दुख इस बात का है कि कोरोना था तो बहुत कुछ मैं भी शायद नहीं कर सकी, इसका हमेशा मुझे मलाल रहेगा। क्योंकि पुलिस कस्टडी की वो जो डेथ हुई थी उस पर जवाब तो आपको देना पड़ेगा डीजीपी महोदय और आपकी पूरी पुलिस डिपार्टमेंट को। हाँ भाई, जब मुख्यमंत्री का मीडिया एक पुलिस वाला उच्च अधिकारी संभाल रहा हो और आईएएस का कोई व्यक्ति नहीं हो तो ये सब तो होना ही है। खैर, अब केदार भंडारी केस में आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि उत्तराखंड सरकार, सीबीआई और उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नोटिसेस जारी कर दिए गए हैं। अब ये जो नोटिसेस जारी हुए हैं, ये नोटिसेस का जवाब तो आप लोग देंगे, घुमाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन जनता का ये जानना जरूरी है कि इस ये हेबियस कॉर्पस का मैटर माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है और उसमें पूछा गया है कि जो पेटिशन में कहा गया है वो उस पे आपका क्या कहना है। तो अब हम इंतजार कर रहे हैं
कि ये क्या कहेंगे। अगले महीने इसकी तारीख है, मगर दुख का विषय ये इसमें क्या है, दुख का विषय ये है कि जो सरकार आई थी लोगों के बारे में बताते हुए कि वो लोगों के लिए ये करेगी, लोगों के लिए वो करेगी, वो आज क्या कर रही है वो आपके और मेरे सामने है। क्योंकि सच्चाई ये है कि जो ये कस्टोडियल डेथ हुआ है, ये पुलिस वालों ने हत्या करी है। ऐसा लगता है जैसे पुलिस वालों ने ये सोचा कि भाई किसी ने हमें पकड़ना नहीं है, गरीब लोग हैं और इसमें कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब तक उत्तराखंड की जनता जागरूक रहेगी तब तक आप लोगों से सवाल करती रहेगी। तो इसमें किसको किस किस को नोटिस इश्यू हुआ है, स्टेट ऑफ उत्तराखंड थ्रू सेक्रेटरी होम सेक्रेटेरिएट देहरादून उत्तराखंड। तो सेक्रेटरी होम पुलिस से संबंधित है, अब वो इसमें क्या करेंगे अब वो जवाब भी मुझे देखना पड़ेगा। अब दूसरे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तराखंड आईजी, डीआईजी उत्तराखंड, एसपी पौड़ी गढ़वाल, डीएसपी पौड़ी गढ़वाल, और डीएसपी वही जिनका नाम आपने सुना होगा, डीएसपी नहीं वो तो एएसपी है मगर शायद डीएसपी की पोस्ट पे है सुयाल जी, जो फिर अंकिता भंडारी वाले मैटर में भी उनका नाम आ रहा है, एसएचओ पीएस कोतवाली लक्ष्मण झूला पौड़ी गढ़वाल, इंचार्ज पुलिस आउटपोस्ट तपोवन पीएस कोतवाली मुनि की रेती टिहरी गढ़वाल और सीबीआई। और जो ये मैटर है इसमें क्या कहा है माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय ने इस पिटीशन को एक्सेप्ट करते हुए इनसे जवाब मांगा है और अगली तारीख है 18 नवंबर 2022। तो 18 नवंबर 2022 को क्या होगा वो तो देखा जाएगा, मगर 21 अक्टूबर को ये नोटिसेस जारी हुए हैं और ये आप लोगों को जानना होगा कि इस मैटर में, जिस मैटर को उठाया गया है, कोई चुप नहीं रहने वाला। क्योंकि पुलिस की कस्टडी में अगर एक 19 साल के बच्चे की मृत्यु हुई है तो हमारे सारे बच्चों को खतरा है, जो रक्षक है वो भक्षक कब बन गया ये समझ में नहीं आया। जबकि मुझे याद है एक डीजीपी होते थे, उनका नाम था रतूड़ी जी, और उन्होंने मित्र पुलिस का जो टर्म है वो दिया था उत्तराखंड की पुलिस को, मगर आज ये हालत है, दुख की बात है। तीसरी बात जानना चाहती हूँ कि यूके ट्रिपल एससी मामले में बड़े धड़ाधड़ इन्होंने अरेस्टिंग करी क्योंकि मामला बहुत उछला। उसके बाद अब ये समझ में नहीं आया, दो विषय है यूके ट्रिपल एससी में, कि यूके ट्रिपल एससी में बड़ी मछली कब हाथ में आएगी, एस राजू कब गिरफ्तार होंगे। हाँ, जो पिछले वाले यूके ट्रिपल एससी के चेयरमैन थे उनको आपने गिरफ्तार कर लिया, आरबीएस रावत को, उनके साथ के दो लोग हैं उनको गिरफ्तार कर लिया, मगर भाई जिसके समय पर ये मामला उजागर हो रहा है कि हाँ इतना बड़ा घोटाला हुआ है, और जिस समय उन लोगों को गिरफ्तार किया गया जैसे मंडराल है, हकम सिंह है, और हकम सिंह की तस्वीरें तो न केवल मुख्यमंत्री मगर डीजीपी महोदय के साथ भी हैं, तो इन लोगों के साथ इतनी सारी तस्वीरें आने के बाद भी अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार हुए एस राजू, उनसे पूछताछ कब करी जाएगी, उनकी गिरफ्तारी कब होगी। और यूके ट्रिपल एससी के मामले में मैं दूसरी बात भी कहना चाहती हूँ, आपके पास कोई लोग नहीं होते क्या, उसके अध्यक्ष आपने बनाए हैं एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर को, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर और मार्तोलिया जी को आपने उसका अध्यक्ष बनाया है, आखिर क्या क्राइटेरिया होता है सरकार ये बताए, जब इतना बड़ा घोटाला सामने आ गया तो कोई क्राइटेरिया भी तो होगा कि आप किसकी अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है जो लोकपाल का, तो भाई अगर हमारे यहाँ लोकायुक्त नहीं है तो उसका कोई कारण होगा, लोकपाल 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 पूरे देश में बात हो रही है, लोकायुक्त की बात ये बार बार करती है भाजपा मगर अपॉइंट नहीं करती। क्या कहा था मुख्यमंत्री पूर्व वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, जब हम कोई भ्रष्टाचार नहीं करते तो हमें लोकायुक्त की आवश्यकता क्यों है। तो पहली बात, लोकायुक्त के ऑफिस में आपने पूरा एक ऑफिस बना रखा, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं तनख्वाहें देने के लिए, मगर लोकायुक्त नहीं अपॉइंट कर रहे हैं ताकि कोई केस
आप लोगों की सरकार में बैठे लोगों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ, पॉलिटिशियंस के खिलाफ उस लोकायुक्त में ना जाए। तो यानी कि आप बचा रहे हैं, आप भ्रष्टाचारी हैं। जब इतने भ्रष्टाचार सामने आ गए, चाहे यूके ट्रिपल एससी का ले लो, विधानसभा नियुक्तियां जिस तरीके से हुई उनको देख लो, चाहे वो आपने नियम बना के उसको लीगल का जामा दे दिया, मगर है तो गलत ना। उत्तराखंड के बच्चों की नौकरियां आपने अपने लोगों को दे दी, अपने अपनों को रेवड़ी बांट दी। अब युवा जो है उत्तराखंड का, वो कब तक रहेगा सड़कों पर, ये बताए सरकार। अभी क्योंकि प्रधानमंत्री ने आना था, तो इनका इस बार स्ट्रैटेजी जो है इनको बदलनी पड़ी। कैसे साथियों बताती हूँ। ये अपना एक प्रवक्ता है जो राज्य आंदोलनकारी अपने आप को बताता है और राज्य आंदोलनकारियों के नाम को खराब करता है, इसलिए राज्य आंदोलनकारी भी नहीं चाहते कि उसका नाम उनके साथ लिया जाए। वो राज्य आंदोलनकारी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य एक पार्टी से दूसरी तीसरी करते हुए वापस भाजपा में पहुंच गया, और वो भी स्ट्रैटेजी के तहत। आप समझ गए, वो आम आदमी पार्टी वाला रास्ता है ना। तो पी टीम को क्या करना है, अपने प्रवक्ता के माध्यम से करवाना था। अब वो प्रवक्ता वापस पहुंच गया। अब ये प्रवक्ता हर जगह जाता था और आंदोलनों को कमजोर करता था। यूके ट्रिपल एससी का मामला हो, वहां पे इसने चाल चली, इस प्रवक्ता ने वहां पर भी अपनी चाल चली। प्रवक्ता मैं इसलिए कह रही हूं कि भाई जो सरकार में है, सरकार की तरफ से आता है वो प्रवक्ता, अब क्योंकि अब शायद पता नहीं नई लिस्ट में उसका नाम है या नहीं, लेकिन वो क्या करा उन्होंने कि कोरोना वॉरियर्स के आंदोलन को कैसे खराब किया वो मैंने देखा। और फिर कोरोना वॉरियर्स अब 6 महीने के विस्तार को लेकर, उस कागज वाले झुंझुने को लेकर घूम रहे हैं। क्या करें, उनकी भी मजबूरी है, बहुत दिन तक सड़कों पर रहे, कोई सुन नहीं रहा। अब उनके साथ कौन खड़ा होगा जब वो इस तरह करेंगे कि इधर मिलेंगे उधर मिलेंगे, इसलिए उन बिचारों के साथ गलत हुआ। मुझे दुख है इस बात का। अगर वे दृढ़ता के साथ खड़े रहते अपनी मांग को लेकर, तो उनका कोई भी इस तरह से शोषण ना कर पाता, लेकिन कम से कम 6 महीने की नौकरियां उनको मिल रही है, ठीक है। लेकिन अब यूपीसीएल पिटकुल के आपको याद होगा पिछले साल कैसे 105 लोगों को ये या 124 लोगों को नौकरी नहीं दे पा रहे थे, इनके पास वित्त नहीं था। एग्जाम दिलवा दिया, एग्जाम क्लियर करवा दिया, मगर नौकरी नहीं दे पाए क्योंकि वित्त नहीं था। अब इन्होंने क्या किया, अब देखते होंगे जगह जगह एड इरिगेशन 228 #, एड इरिगेशन 228, और अवश्य अभी बच्चों ने इस लाइव पे भी जरूर कमेंट किया होगा इस #, के साथ। तो ये जो #, है ना, ये सिंचाई विभाग से संबंधित भर्तियों के बारे में, जो ओरिजिनल विज्ञप्ति थी उसमें बकायदा 228 पद इंक्लूडेड थे, और उसके बाद अचानक से वो गायब हो गए, वित्त नहीं है इनके पास। मगर मंत्री जी की सुनिए, सतपाल महाराज बोलते हैं, सतपाल सिंह रावत जी। सतपाल सिंह रावत जी क्या कहते हैं कि 228 पद जो है वो वापस डाल दिए जाएंगे, तुम बच्चे जाओ तैयारी करो, पढ़ाई करो और एग्जाम दो। बच्चे एग्जाम देते, क्लियर भी करते हैं, 3200 के करीब बच्चों ने क्लियर कर दिया एग्जाम, 3200। अब ये फिर जाते हैं मंत्री जी के पास, मंत्री जी सचिव को बोलते हैं, मुख्यमंत्री का कोई व्यक्ति कहता है इतना आसान नहीं हमसे मिलना, अरे आप तो प्रभु महाप्रभु हो गए, आपसे तो मिलना बड़ा सचमुच में मुश्किल हो गया। बाबा केदार से मिल सकते हैं, बाबा बद्री विशाल से मिल सकते हैं, मगर धामी जी से मिलना तो बड़ा कठिन हो गया। सही कहा आपके ओएसडी ने, सही कहा बच्चों को आपके ओएसडी ने कि आपसे मिलना आसान काम नहीं है। लेकिन अब देखिए, सतपाल महाराज इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये जो सतपाल महाराज है ना, सतपाल सिंह रावत जी, इनको देखिए, कांग्रेस पार्टी से भाजपा में गए थे सिर्फ कुर्सी का लालच, सिर्फ सत्ता की का जिसे कहते हैं ना कि लोलुपता, मगर आज इनकी क्या हालत है। बच्चों को कहते तैयारी करो, ये इंक्लूड हो जाएंगे, और बच्चे धरने प्रदर्शन सब कुछ कर रहे हैं, और सतपाल सिंह रावत जी इन 228 पदों को इंक्लूड नहीं करवा पा रहे, इंक्लूड नहीं। ये है, इतनी हैसियत रह गई। ये वही सतपाल महाराज जी हैं जिनको आपने केदारनाथ में नहीं देखा होगा, जबकि ये पर्यटन मंत्री हैं उत्तराखंड के, पर्यटन मंत्री। साथियों, उत्तराखंड का पर्यटन मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा के दौरान नहीं दिखा। जो दिखा उसके बारे में बाद में बात करती हूँ। मगर ये सतपाल महाराज जी इसलिए नहीं दिखे क्योंकि शायद इनको अब भी ध्यान है कि पंडा पुरोहितों ने इन्हें कह रखा है कि यहाँ घुसना भी मत, तो आप इसलिए नहीं गए। चलिए, बड़ा दुख होता है आपके लिए। मगर आप ये बताइए कि वो जो दूसरे वाले प्रेमचंद अग्रवाल, वो अब तक अपनी कुर्सी पे क्यों बैठे हैं? देखिए, उन्होंने नियम कायदे का एक एक्सक्यूज लेकर अपने अपनों को नौकरियां दी और कहा उनके पेपर्स देख लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मतलब वो होता है ना, जब कोई पिक्चरों में नहीं देखते हैं, कोई क्रिमिनल दिखा देते हैं, कहते हैं मैंने बिल्कुल सही किया, कोई मुझ पर हाथ नहीं उठा सकता। बट नैतिकता पर तो सवाल उठेंगे ना, मॉरल्स, एथिक्स, इन पर सवाल उठता है। एथिक्स तो भूल जाइए, आपके मॉरल्स, आप तो भाई अगर सच्चे हिंदू हो ना प्रेमचंद अग्रवाल जी, आरएसएस से संबंधित हो, इसलिए प्रधानमंत्री के पीछे नजर आते रहे आप। मगर कम से कम नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दोगे आप तो बेहतर होगा आपके लिए, कम से कम कुछ इज्जत बच जाएगी। वरना वैसे तो इज्जत की आप लोगों को कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए उसके बारे में क्या बात करें। लेकिन आप लोग को बता दो साथियों कि ये प्रेमचंद अग्रवाल जी वित्त मंत्री हैं, जो वित्त नहीं दे पाते किसी को, मगर अपने अपनों को इन्होंने नौकरियां दी थी, विधानसभा में नियुक्तियां की थी, और इनका इतना बड़ा ये स्कैम बाहर निकला कि अपने अपनों को इन्होंने नौकरी दी, उसमें से एक 3 मेंबर की कमिटी बना दी गई, सब फार्स। और जो ऋतुभूषण खंडूरी जी हैं, वो तो खुद दिल्ली की रहने वाली उत्तराखंड में 2 चुनाव लड़ गई। ये तो जब मैंने मामले को उठा दिया तब इन्होंने जाके अपना जो वोटिंग लिस्ट में नाम है दिल्ली में वो कैंसिल करवाया, मगर एफिडेविट में रितु खंडूरी जी अभी भी, वो एफिडेविट तो इलेक्शन कमीशन के पास है, नाम तो आपका दिल्ली में रजिस्टर्ड था। तो आप दो जगह कैसे वोट दे रही थी? आपको तो जेल में होना चाहिए, आपको तो विधानसभा का अध्यक्ष बनाया हुआ है भाजपाइयों ने। खैर, अब देखिए, विधानसभा नियुक्तियों में प्रेमचंद अग्रवाल वित्त मंत्री उत्तराखंड को, उनका जब नाम आया तो ये 3 मेंबर कमिटी बनी, इन्होंने आधे लोगों को निकाल दिया, आधे लोगों को रख दिया। ऑब्वियस सा था कि वो लोग हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट गए, उनको रिलीफ मिल गया, उनकी पुनः नियुक्ति हो गई। उनकी नियुक्ति पर अब सवाल तो नहीं कर सकते क्योंकि वो नियम के हिसाब से करेगा। यही तो प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, देखो कितना कपटी आदमी है भाई, कपट और छल, इसी को तो कहते हैं रूल है, मैं रूल के हिसाब से कर रहा हूँ, जो करना है कर लो, मेरा अपना भाई, तुम्हारा अपना एक होगा, दो होगा, तीन होगा, 72-76 तो नहीं हो सकते ना तुम्हारे, कि मुख्यमंत्री का रिश्तेदार, कैबिनेट मंत्री का रिश्तेदार, रिश्तेदार की पत्नी, ओएसडी का साला, ऐसे तो नहीं हो सकता। मगर ऐसा ही किया इन्होंने। तो प्रेमचंद अग्रवाल को इसके बावजूद भी जर्मनी घूमने भेज दिया गया। हाँ, जर्मनी, मतलब यहाँ पे बवाल मच रहा उत्तराखंड में, सब कूद रहे और ये जा रहे जर्मनी घूमने। इन्हें पता है इनका कुछ नहीं बिगड़ना है ना, क्योंकि संघ से संबंधित है और प्रधानमंत्री का हाथ है इन पर, क्योंकि यही व्यक्ति प्रधानमंत्री के पीछे, एक तस्वीर में आपको दिखेंगे, एक सरदार जी है जो हमारे महामहिम है उनके साथ, तो इनके सर पर हाथ है प्रधानमंत्री का। तो ये कुछ भी भ्रष्टाचार करे, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जब तक जनता आवाज नहीं उठाएगी ऐसे लोगों के खिलाफ, तब तक कुछ नहीं होगा। और जनता तो इन्हें चुनती है, जनता ही तो इन्हें वोट देती है, क्योंकि जनता को क्या फर्क पड़ता है, माताओं को क्या फर्क पड़ता है कि उनकी नौकरियां, उनके बच्चों की नौकरियां प्रेमचंद अग्रवाल जैसे लोग अपने अपनों को दे दे, क्या फर्क पड़ता है माताओं? आप लोगों के अकाउंट में 2000-8000 रुपए एक बार आ जाते हैं, आप उसी में खुश हो जाते हो। मुफ्त का राशन, वो मुफ्त का राशन तो जैसे आपकी माँ और दादी को कभी मिला नहीं है ना, देश की आजादी के बाद मुफ्त का राशन। और तब जब इस तरह से एलपीजी वगैरह इस तरह का नहीं था, और एलपीजी के आने के बाद भी लोग केरोसिन यूज करते थे, तो केरोसिन भी मिलता था। जब कोई आपदा आती थी तो आलू और प्याज वो सब भी मिलता था, दाल वाल तो सब मिलता था, चीनी तो बहुत अच्छी मिला करती थी। मगर कहाँ याद होगा इन माताओं को, जो इस वक्त अपने बच्चों की नौकरियों को दांव पे लगा देती हैं। कमाल है भाई, ये माताएं कैसे कहला लेती हैं। मगर ये जो व्यक्ति है प्रेमचंद अग्रवाल,
ना केवल घूम फिर के आया, और जब ये घूमने गया वहां पे गुजरात नहीं, ये घूमने गया जर्मनी, और उस वक्त एक लिस्ट आई बाहर और उस लिस्ट को रोक दिया गया। वो लिस्ट क्या थी? ट्रांसफर्स की लिस्ट। तो एक लिस्ट रोक दी गई, उसके बाद वो वापस आ गए, फिर एक लिस्ट तैयार हुई, फिर उसे रोक दिया गया। किसने रोका? मुख्यमंत्री ने रोका ना, मुख्यमंत्री ने रुकवाया। तो अगर लिस्टों को रोका जा रहा है तो प्रेमचंद अग्रवाल अब भी वित्त मंत्री क्यों है? वित्त मंत्री अगर वित्त नहीं, वित्त का इंतजाम नहीं कर पा रहे बच्चों को देने के लिए, उनको नौकरियों पर रखने की यही बाधा है, तो ये वित्त मंत्री क्यों है? आज कितने गर्व का दिन है, ऋषि सुनक देखो आप ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, वो उसी भाई सब कॉन्टिनेंट से आते हैं, हिंदू हैं, और हमारे भारत पुराना वाला भारत, अभी जब आजादी के बाद वाला नहीं, उसके पहले वाला गुजरा वाला पाकिस्तान का हिस्सा था। उनके दादा और नाना जो है एक जने केन्या चले गए थे, एक जने तंजानिया, गुजरा वाला से गए थे, दिल्ली से नहीं गए थे। तो वो उनका संबंध सीधे सीधे पुराने वाले भारत से है, मगर वो पाकिस्तान के माइनॉरिटी, और मतलब जो उनके मूल, उनके दादा वादा, वो मूल पाकिस्तान जो अगर नया बनता तो वापस वहां जाते, तो वो वहां के मूल निवासी हो जाते और वो वहां की माइनॉरिटी होती। लेकिन वो अब हमारे साथ उनका क्या रिश्ता है? रिश्ता है क्योंकि नारायण मूर्ति, जिन्होंने इंफोसिस को स्टार्ट किया था, उनकी बेटी के साथ उनका विवाह हुआ है। और ये गर्व की बात है कि हमारे दामाद, मतलब भारत के दामाद, आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। ब्रिटेन वही जिसने उस वक्त राज किया था, सिर्फ हम पर नहीं, वो जो पाकिस्तान वाला हिस्सा हमारा था पहले, उस पे भी राज किया था। मगर आज एक अश्वेत व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है ब्रिटेन का, ये गर्व की बात है आपके लिए और मेरे लिए। मगर देखिए कि वहां क्या होता है। बोरिस जॉनसन जब ब्रेक्सिट की बात करते हैं कि यूरोपियन यूनियन से हम निकल जाएंगे, और वो कहते हैं कि लोग क्या कहते हैं वो देखेंगे, क्योंकि मैं तो उसी में रहना चाहता हूं, और जब वोटिंग होती है लोग कहते हैं कि नहीं हमें ईयू के साथ नहीं रहना, तो क्या होता है, वो इस्तीफा दे देते। उसके बाद आती है लिज ट्रस। लिज ट्रस और ऋषि सुनक के बीच में मुकाबला था, तब भी पिछले महीने की बात है, और लिज ट्रस जो है वो चुनी जाती है। तब भी बड़ा बुरा लगा था कि अश्वेत होने के कारण शायद ऋषि सुनक नहीं बन पाए, मगर अब तो ऋषि सुनक बने हैं, यानी कि ब्रिटेन के अल्पसंख्यक समुदाय के हिंदू ऋषि सुनक आज मजॉरिटी क्रिश्चियन देश ब्रिटेन, जिसने हम पर हुकूमत करी, आज वहां के प्रधानमंत्री है। गर्व की बात है या नहीं? लेकिन उनको मतलब देखिए आपकी वो क्या कहते हैं, जब वो आज भाषण देते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, कुछ मुश्किल निर्णय लेने पड़ेंगे, पर मैं कोशिश करूंगा कि हम देश को जो आर्थिकी है, जो आर्थिक स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति है, उसमें से निकाला जाए। तो एक अकाउंटेबिलिटी होती है। लिज ट्रस ने क्यों रिजाइन किया? उन्होंने कहा कि भाई मैं वो नहीं कर पाई, अपने देश को उस अर्थव्यवस्था को ठीक नहीं कर पाई और इस मुश्किल के दौर से नहीं निकाल पाई, इसलिए मैं इस्तीफा देती हूं। उसके पहले बोरिस जॉनसन ने क्या कहा कि मैं लोगों को नहीं मना पाया कि हम ब्रेक्सिट में रहें, इसलिए मतलब ईयू में रहे, और उन्होंने ब्रिटेन एग्जिट यानी कि ईयू से निकलने की बात पर मुहर लगाई लोगों ने, इसलिए मैं लोगों की बातों पे खरा नहीं उतर पाया, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं नैतिकता के आधार पर। पर क्या भारत देश में आर्थिकी के बारे में कोई सोच रहा है? सिर्फ धर्म के बारे में सोचो, इसको काटो उसको मारो है। अब गुजरात का चुनाव है तो मैं देख रही हूं कि फिर समुदायों के बीच में झगड़ा दिखा रहे हैं, और ये तो वो सरकार है जो कुछ समय पहले कह रही थी कि हमारे आने के बाद कभी कहीं दंगे नहीं होते। अरे भाई कभी कहीं दंगे नहीं होते, अप्रैल के महीने में देखा कि रामनवमी वाले दिन तमाशा मचा के रख दिया तुम लोगों ने भाई, और तुम लोग स्थिति को नहीं संभाल पाए पूरे देश में, जो कभी जिंदगी में नहीं सोचा कि कभी होगा, कभी हुआ नहीं, वो भाजपा के राज में हो गया। अब गुजरात में चुनाव है, वहां हिंदू मुस्लिम ठीक चल रहा है। उधर पंचायत चुनाव है, आपको पता ही है, हरियाणा में और हिमाचल में चुनाव है। तो राम रहीम जो अब तक इस साल तीन बार पेरोल पे छोड़ा गया, पहले फरवरी में,
फिर जून में और फिर दोबारा छोड़ दिया गया है। और उसने जूम के माध्यम से एक मीटिंग करी और उसमें तमाम भाजपा के नेता, भाजपा की मेयर वो मौजूद थे। अगर नाम बताऊं तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो उस लिस्ट में है जो जो लोग यहाँ पे थे। तो मैं मतलब बड़े दुख की बात है कि इस तरीके से आप कर रहे हैं कि जब चुनाव है तो आप किस तरीके से इन हत्यारों को, रेपिस्ट को, और उसको 20 साल की सजा है, बाय द वे 20 साल की सजा दी गई है उसको, मगर उसको भाई मीटिंग करता है, सबको आशीर्वाद देता है क्योंकि वोट चाहिए, उस समुदाय के लोग हैं जो उसके फॉलोअर है। मतलब लोगों को सिखाने वाला काम नहीं है, हमारे को तो देखना है कि कैसे करके बस हम किसी भी तरह से वोट के लिए कुछ भी करेंगे। तो ये इनकी कहानी है और ऐसी बहुत सारे इश्यूज है, उसके बारे में भी कभी बात करूंगी। लेकिन आखिरी बात जो मैं करना चाहती हूँ आज, वही प्रेमचंद अग्रवाल वाली बात पहले पूरी कर लूं कि एक लिस्ट उनकी कैंसिल, दूसरी लिस्ट उनकी कैंसिल, तो क्योंकि संघी है तो उनको मंत्री पद पे बैठाया गया, उनकी बर्खास्तगी क्यों नहीं होती अगर वो इस्तीफा नहीं देते। नैतिकता, नैतिकता का पार्ट अगर आपको लेना ही है तो उस ब्रिटेन से लीजिए जिसकी जिसके बारे में आज आप कह रहे हैं कि देखिए ऋषि सुनक बन गए। बिल्कुल, वैसे आज सूतक नहीं लगा हुआ जिस वक्त उन्होंने अपना शपथ वगैरह लिया, जिस वक्त उन्होंने एक्सेप्ट किया। खैर, वो इन सब चीजों में विश्वास नहीं करते, वो एक नॉर्मल इंसान की तरह अपने देश के प्रधानमंत्री बने, आगे देखते हैं उनके साथ क्या होता है। अब आखिरी बात, नियमितीकरण, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण, रेगुलराइजेशन को लेकर अगर उच्च न्यायालय ने कोई आदेश दिए हैं तो आप उस मामले को लेकर उसका विरोध किस बात का करना। आप नियमिती जैसे उपनल वाली बात कर रही हूं मैं, उपनल वालों को जो आउटसोर्स थे, वो संविदा नहीं थे, आउटसोर्स, उस मामले में आपने एसएलपी दाखिल कर दी, जाकर माननीय उच्चतम न्यायालय में वो पेंडिंग है, उसमें क्या हो रहा भाई, 18,000 लोगों को नियमितीकरण करने के लिए, उनको समान काम का समान जो सैलरी है वो देने के लिए और उनकी तनख्वाह पे जीएसटी ना काटने के लिए आदेश दिए थे माननीय उच्च न्यायालय ने, आप उसके खिलाफ चले गए उच्चतम न्यायालय। अब ये दूसरा मैटर, इसमें एसएलपी संविदा कर्मियों के नियमितीकरण, इसमें आप चले गए उच्चतम न्यायालय। आखिर ये सरकार, ठेकेदारों की सरकार करना क्या चाहती है, कब तक सरकार इस तरह से चलेगी, कब तक जनता जागरूक नहीं होगी। हाँ, जनता ये जरूर है कि इस वक्त मुझे जनता जागरूक भी लग रही है क्योंकि जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी जब आप बार बार कहते हैं तो एक तसल्ली सी होती है कि बेटी के लिए हम सब एक साथ मिलकर खड़े हैं, परंतु और जस्टिस फॉर केदार भंडारी भी हम सब खड़े हैं, मगर जब चुनाव का समय आएगा तब क्या करोगे आप लोग, तब हिंदू मुसलमान 500 रुपया पॉकेट में, साड़ी ब्लाउज पैंट शर्ट इन सब में बिक जाओगे। दुख होता है ना, बिकना बंद करो क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके पास जो अधिकार है, ये जो वोट का अधिकार होता है ना, इससे ज्यादा बड़ा अधिकार, इससे ज्यादा कीमती अधिकार किसी के पास नहीं होता है। सही लोगों को चुनो, वोट सही लोगों को देकर तो आप वो कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। आपके देश में लोकतंत्र है, आपके ऊपर थोपे हुए लोग बैठे होते हैं, आज इसको हटा दिया, कल उसको हटा दिया, फिर इसको हटा दिया, जो हार गया उसको दोबारा चुनाव लड़वा दिया। बस अगर ऐसे लोग मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे तो जनता का ऐसा ही तो हाल रहेगा, जनता जागरूक जब तक नहीं होगी तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। सोचिएगा इस विषय में, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग समझे और जागरूक हो और जो भाजपा आज कर रही है उससे सजग हो जाए। नमस्कार, जय हिंद।